Good morning, dear students. Myself Tarun Dubey. I am your assistant teacher. Today I will start the 26th chapter, civics. और हम आप जानते हैं तो पार्लियामेंट्री बॉल ओके द पार्लियामेंट्री बॉल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द व्हाई इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रीवियस लेक्चर एंड आल्सो डिफाइन द ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन द प्रीवियस लेक्चर The Parliament and the election and working of the Lok Sabha ये हमने previous videos में previous lectures में आपको mention कर चुके हैं ठीक है आज हम जिस topic को discuss करेंगे now I am discussing about the speaker and the function of the speaker दो topic पे आज हम discuss करेंगे इन चीज़ों को आपको आपके mind में होगा ही होगा आइए हम थोड़ा एक revision कर लेते हैं Why India has parliamentary form of government? जैसे कि आपको पता है कि इंडिया इज ए लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और बहुत बड़ी है और इन द व्यू ऑफ एरिया तो 7th नंबर की है बट इफ इन द व्यू ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो आफ्टर चाइना द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हमारी इंडिया है तो यहाँ के वोटर्स जो बहुत ज़्यादा हैं और वोटर्स को जो इतना लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए जो इंडिया में सबसे सब्स्टिट्यूबल गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई इन द ड्यूरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये बात की गई कि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी और यही इतने बड़े वोटर्स का उनके बारे में कुछ कंसिडर भी कर सकती है उनके वेलफेयर में काम भी कर सकती है तो पहला पॉइंट था कि यहाँ जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अडॉप्ट करने का फर्स्ट रीजन था कि यहाँ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स सेकेंड पॉइंट था कि बिफोर इंडिपेंडेंट बहुत सारे इंडियंस जो है बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में जान चुके थे और आपको जैसा कि पता है कि हाँ हमारे लिए इलेक्शन भी कन्वर्ट किए गए थे बिफोर द इंडिपेंडेंस तो जैसे कि आप देखेंगे तो 1936 में भी एक इलेक्शन हुए थे और 1956 में भी इलेक्शन हुए थे तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे और जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे वो बहुत अच्छे से जानते थे अबाउट द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थर्ड अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की बात करेंगे तो हमें वी फाउंड थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फर्स्ट लेजिस्लेटिव दूसरा एग्जीक्यूटिव और थर्ड आपकी जुडिशरी है ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं एक दूसरे की कोई डिपेंडेंसी नहीं है अगर हम बात करें द अदर नेम ऑफ लेजिस्लेटिव तो द अदर नेम ऑफ लेजिस्लेटिव इज पार्लियामेंट क्योंकि लेजिस्लेटिव में जो होते हैं वो टोटल पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं अब इस पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो दो हाउसेज होते हैं एक होता है आपका पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो दो हाउसेज होते हैं एक लोकसभा होता है राज्यसभा द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा 552 लेकिन इस समय कितने हैं 545 सेम यही चीज होता है अगर राज्यसभा की बात करेंगे लोकसभा राज्यसभा की अगर बात करेंगे राज्यसभा में अगर देखेंगे तो जब द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो 250 होते हैं लेकिन इस समय कितने हैं रिसेंट टाइम में 245 है अब इसमें से भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो 552 है इसमें 530 अलॉटेड फॉर द स्टेट एंड 20 जो है ये यूपी यानी यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किए जाते हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाई द इंडियन प्रेसिडेंट ओके तो इस तरह के जो आपका ये इंस्ट्रक्शन है लोकसभा और राज्यसभा की बातें अगर हम करेंगे तो इसका जो फॉर्म है वो आपके लोकसभा का ये है राज्यसभा में क्या है कि 233 जो इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव और जो 12 है नॉमिनेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट यानी कि नॉमिनेटेड बाय द जो 12 लोग हैं ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अपॉइंट किए जाते हैं नॉट इलेक्टेड और ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने मतलब एक स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे चाहे जैसे मान लीजिए आर्ट हो गया आपका लिटरेचर हो गया स्पोर्ट हो गया यानी कि जो अलग अलग एरियाज हैं उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं तो ये आपका राज्यसभा हो गया तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ जो लेजिस्लेटिव है लेजिस्लेटिव इज द अदर नेम ऑफ द पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव क्या है एग्जीक्यूटिव द अदर नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव इज मिनिस्ट्री यानी कि जो कैबिनेट है पीएम एंड देयर मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स हो
लेकिन उसको जो एग्जीक्यूशन करता है वो आपका एग्जीक्यूटिव करता है, जुडिशरी आपका अलग है, आपको पता ही है कि हाँ हमारे जो न्यायपालिका है वो अलग है। इसका काम क्या है, इसका काम ये देखना है कि इन्होंने जो लॉ मेकिंग किए हैं और ये जो एग्जीक्यूशन किए हैं क्या ये दोनों लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनका काम है। और आपको पता है कि अगर जुडिशरी की बात करेंगे तो तीन लेवल पे हमारे यहाँ पाई जाती है, एक तो लोकल लेवल हो गया, एक हाई कोर्ट लेवल, एक स्टेट लेवल पे हो गया और एक यूनियन लेवल पर हो गया, सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इस तरह का आपने देखा कि ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है आपको पता ही है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड दोज पर्सन हु आर इलेक्टेड बाय, हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, वो कहाँ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक संस्था है जो देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को का नेतृत्व करता है सामूहिक रूप से। ओके, थर्ड पॉइंट अगर बात करेंगे इलेक्शन एंड वर्किंग ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, तो आपको पता है कि लोकसभा के जो इलेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस इलेक्शन में बता दिया था कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है ना, वो जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो लोकसभा चुनाव में, लोकसभा इलेक्शन में वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। और द इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज नोन एज जनरल इलेक्शन, यानी कि जनरल इलेक्शन आम चुनाव के रूप में हम लोकसभा इलेक्शन को जानते हैं। एंड अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ द लोकसभा, वर्किंग कैसे करेंगे तो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं इसको। तो आज हमारा पॉइंट हो गया स्पीकर, स्पीकर क्या होता है, ठीक है, यानी हेड ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का मुखिया होता है हमारा स्पीकर। अब बात आती है कि अगर हम स्पीकर की बात करेंगे तो दो तरीके के स्पीकर होते हैं, पहला होता है एक तो स्पीकर हो गया और दूसरा होता है प्रोटेम स्पीकर। एक आपका स्पीकर हो गया और एक आपका प्रोटेम स्पीकर हो गया। अब अंतर क्या है, इसको जो प्रोटेम स्पीकर है इसको हम टेम्परेरी स्पीकर भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या होता है परमानेंट हेड ऑफ द हाउस होता है, हेड ऑफ द लोकसभा होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जैसे कि जब हमारा जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया गया, व्हेन जनरल इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर, यानी कि जब हमारा जनरल इलेक्शन कंप्लीट हो गया और 545 लोग इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट पीपल ऑफ द इंडियन सिटीजन, तो क्या होगा कि जो 545 लोग फर्स्ट डे जब यहाँ इकट्ठा हुए लोकसभा में तो फर्स्ट डे ही क्या होता है कि इनको ओथ दिलानी पड़ती है। तो ओथ दिलाने के लिए एक टेम्परेरी एक दिन या दो दिन के लिए एक स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, जो कौन होता है मोस्टली अगर देखा जाए तो जो सबसे सीनियर एमपी होता है लोकसभा का उसी को ही प्रोटेम स्पीकर एक या दो दिन के लिए बनाया जाता है, ताकि ये सारे सदस्यों को, सारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा के मेंबर को ये क्या कर सके, ओथ दिला सके, शपथ दिला सके। तो इसी को एक दो दिन के लिए जो बनने वाला हेड ऑफ द लोकसभा होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। दो तीन दिन के बाद जब ये सारे लोग शपथ ले लेते हैं और अदरवाइज हो जाते हैं वोटिंग करने के लिए यहाँ पे अदरवाइज मेंबर ऑफ द लोकसभा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन क्या होता है कि ये सारे लोग मिलकर करके आपस में एक स्पीकर चुनते हैं जो कि परमानेंट स्पीकर होता है। और जो स्पीकर होता है, स्पीकर हेड ऑफ द हाउस होता है और इस स्पीकर का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि लोकसभा के रूल एंड रेगुलेशन को बनाए रखना, यहाँ के कोई ऐसा काम हो कि सबके, एक लोकसभा स्पीकर का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि लोकसभा के रूल एंड रेगुलेशन को बनाए रखना, प्रोटेक्ट द ऑल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द लोकसभा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अक्सर रूलिंग पार्टी का होता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी इज द मेजोरिटी पार्ट, मेजोरिटी मेंबर ऑफ लोकसभा होती है, यानी कि जो लोकसभा के सदस्यों की सबसे बड़ा दल होता है उसी का एक सदस्य क्या होता है स्पीकर बनता है। और स्पीकर के साथ साथ एक डिप्यूटी स्पीकर भी अपॉइंट किया जाता है जो अक्सर क्या होता है कि अपोजिशन पार्टी का होता है। तो आफ्टर जनरल इलेक्शन जब कंडक्ट होता है तो जो नई लोकसभा का गठन होता है तो उस गठन के दौरान स्पीकर को चुना जाता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपने देख लिया कि स्पीकर जो है वो हेड ऑफ द हाउस होता है, उसका मेन काम होता है रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना, ठीक है। और अगर लोकसभा स्पीकर अब्सेंट है तो क्या होता है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और सारे वर्क को वो क्या करेगा,
फंक्शन बनाएगा और वो उसकी जगह पे कार्य करेगा। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है द फंक्शन ऑफ द स्पीकर, यानी स्पीकर के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला जो कार्य है मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द हाउस, यानी कि हाउस में नियम को एक जो उसका रूल रेगुलेशन है उसको बनाए रखना। जो एक सदन की जो एक गरिमा है, जो हाउस की एक अपना एक गरिमा है उसको मेंटेन रखना, यानी मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द हाउस, यानी हाउस में जो लोग सदन की गरिमा को बनाए रखना। सेकेंड पॉइंट है अलाउ टाइम टू टाइम मेंबर टू स्पीक इन द हाउस। क्या होता है कि लोकसभा में केवल एक न केवल सत्ता पक्ष होता है, रूलिंग पार्टी नहीं होती बल्कि अपोजिशन भी होते हैं, और अपोजिशन में चूंकि आपको पता है कि भारत में मल्टी पार्टीज हैं, ठीक है, तो लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो मल्टी पार्टीज के होते हैं। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो ये भी देखता है कि क्या सारे लोगों को, सारे पार्टियों के सभी MPs को बराबर टाइमिंग मिल रही है प्रश्न रख अपनी अपनी बात रखने का, क्वेश्चन पूछने का, और अपना अपना जो भी उसके जवाबदेही बनती है वो करने का। तो कहीं ना कहीं जो स्पीकर का मेन वर्क होता है अलाउ टाइम टू टाइम टू स्पीक इन अ हाउस, यानी कि हाउस पे प्रत्येक सांसद को चाहे वो किसी भी पार्टी का हो उसको मौका देना अपनी बात रखने का। थर्ड पॉइंट है कैन एडजर्न द मीटिंग ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे एडजर्न होगी, ये डिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। फोर्थ पॉइंट है रेजोल्यूशन और बिल कैन बी प्रोसीड ओनली विद द परमिशन, यानी कि कोई भी कार्यवाही लोकसभा में कोई भी कार्यवाही अगर स्टार्ट की जाती है तो वो विद द परमिशन ऑफ लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा स्पीकर के और परमिशन के बाद ही लोकसभा में कोई कार्यवाही स्टार्ट की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल्स फॉर द वोट ऑन द बिल। अगर कोई भी बिल जो है लोकसभा में लाया जाता है तो उस पर क्या होता है, स्पीकर जो है वो हर सदस्यों को वोटिंग करने के लिए कॉल करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सेशन ऑफ बोथ ऑफ द हाउस, यानी कि जब क्या होता है कि आपको पता है कि साल में दो बार टू टाइम्स इन अ ईयर प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सेशन ऑर्गेनाइज करता है। इन ज्वाइंट सेशन का जो प्रेसिडेंसी करता है, जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसाइड अ पार्टिकुलर बिल इज अ मनी और नॉट, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही वो व्यक्ति होता है जो लोकसभा में प्रस्तुत किए गए किसी भी बिल पे ये डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, यानी कि अगर मनी बिल है तो मनी बिल इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक, ठीक है, एंड अदर बिल इज रिलेटेड टू डिफरेंट एरियाज लाइक सोशल रिलीजियस, है ना, अदर एरियाज हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कैन सस्पेंड अ मेंबर फ्रॉम द हाउस फॉर मिसकंडक्ट, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ये देखता है कि अगर लोकसभा का कोई भी सदस्य अगर वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो उसको क्या करेगा, उसको परमिशन देगा कि यू आर गो आउट ऑफ हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा अपॉइंटमेंट वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी। आपको पता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में भी बहुत सारी कमेटीज होती है, रूलिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, लैंग्वेज कमेटी, SC ST कमेटी, तो इस तरीके की जो भी कमेटीज हैं उनको कौन फॉर्म करता है, बाय द लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा स्पीकर जो है वो अनेक संसदीय समितियों को फॉर्म करता है, ओके, गठन करता है, अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, और उसके चीफ को भी नियुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सेफ गार्ड ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर, यानी कि लोकसभा के इतने अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग पार्टियों से होते हैं, तो उनके जो विशेषाधिकार दिए गए हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंबर ऑफ लोकसभा, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका एक काम ये भी होता है कि वो अपने MPs के जो विशेषाधिकार है उसको प्रोटेक्ट करना ताकि उसको कोई भी उसका उस पर अतिक्रमण ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैन एडजस्ट वन पब्लिक टेन कोरम, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को एक ये भी विशेषाधिकार मिलता है, उसके पास एक ये भी प्रिविलेजेस होते हैं कि अगर पूरे लोकसभा सदस्य जैसे 545 है अगर इसका 10% सदस्य लोकसभा में प्रेजेंट नहीं है तो वो
जो लोकसभा को फंक्शन नहीं करेगी, यानी कि जो आपका कोरम है, कोरम मतलब कि उपस्थित लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो उस कोरम को जो है 10% होना चाहिए, टोटल का 10% होना चाहिए, यानी कि कम से कम 545 यानी 55 यानी कि 55 मेंबर ऑफ लोकसभा को प्रेजेंट रहना जरूरी है किसी भी लोकसभा कार्यवाही के लिए, यानी द फंक्शन ऑफ लोकसभा 45% इज नेसेसरी अवेलेबल इन द लोकसभा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो अलाउ और डिस अलाउ टू पुट क्वेश्चन ऑफ द मेंबर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि उसका एक अपना स्वविवेक होता है, सेल्फ एक मेच्योरिटी होती है कि वो किसको क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करता है, किसको क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं अलाउ करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष पे डिपेंड करता है। तो आज हमने देखा जो मेन पॉइंट था कि द स्पीकर, और सेकंड पॉइंट था द फंक्शन ऑफ द स्पीकर, ठीक है। मेरे नेक्स्ट वीडियो और मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आई विल डिस्कस।